शंकर या अश्विनी हैं, हम दोनों की बात इंस्टाग्राम पर होती थी। और आज मैं जब शोरूम पे आया हूँ अपनी बाइक का चक्कर, इतनी जल्दी एग्जिट तो मेरा पहली बार हुआ एयरपोर्ट से। हमें एयरपोर्ट में आया एक घंटा रहा, उसके बाद अब जहाँ से आया था डिपार्चर से वहीं से डिपार्चर तक। और ही होते हैं, मैं जब जिम के लिए निकल रहा होता हूँ ना, दरवाज़ा बैंड हो जाता है, उसकी वजह से गिराज हो जाता है। और फिर वो कहता है कि आप मुझे सुलाओ और फिर जिम जाना, जल्दी से भी जिम से होकर आता हूँ ताकि बेबी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो भैया शोरूम से कॉल आया था यहाँ पे बाइक के लिए सर में इंस्पेक्शन की आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार मैं भी देख लेता हूँ, ये काफ़ी दिन हो गए हैं बाइक देखी नहीं थी। ये देखो ये S1000 आ रहा है, मतलब दूसरों के सपने देख के लगता है कि हाँ बाइक ये है, बट जो बाइकें वहाँ पे खड़ी है उनकी अलग ही अप्रोच है, तो बट भूसा का क्रेज़ अलग ही है। एंड आई होप कि मेरी बाइक जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आज किसी की 25th एनिवर्सरी भी आज हुई, तो मैं नीचे जा रहा हूँ एक बारी पता करने के लिए। देखो ये बाइक खड़ी हुई है अपनी, तो यहाँ पर देखो अभी इसके पार्ट्स आ गए हैं, बस थोड़े से पार्ट्स रहते हैं, जावेद भाई हमारे करवा दें तो सही है। अश्विनी है ये एक्चुअली, ही इज़ ऑल्सो सेल। आज मैं जब शोरूम पे आया हूँ अपनी बाइक का चेक करने के लिए, तब ये मुझे वहाँ पर मिले। और इनका भी एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम रहा भूसा के साथ, मतलब भूसा भी इनकी पहली स्पोर्ट्स बाइक है जैसा मैंने ली थी, मुझे लगता था शायद मैं ही हूँ, बट आज मैंने देखा एक और सेलर जिसका शौक था भूसा का, तो इन्होंने भी पहली स्पोर्ट्स बाइक भूसा लिया। तो आज तक दो एक साल हो गया आपको, कभी ये लगा कि नहीं यार भूसा ले ली अच्छी नहीं लग रही? चाइल्डहुड ड्रीम है, चाइल्डहुड जो बचपन की, मतलब जो सबने वो मूवी देखी है धूम, तो उसी का शौक सबको क्रेज चढ़ा है कि हाँ बस वर्जन में अगर हो और ये बाइक का क्रेज है तो डेफिनेटली आप ये बाइक लोगे। आप मुझे आज कंफर्म हो चुका है इस बात का। अब हम दोनों अगर साथ रहेंगे अभी ये तो बिल्कुल हम राइड में साथ जा सकते हैं, जा सकते हैं डेफिनेटली। मैं तो शिप पे जा रहा हूँ, तो आई थिंक जब बाय द टाइम विल कम आई विल बी हियर ओनली। अच्छा हाँ, यू आर गोइंग फॉर योर एग्जाम, अभी नहीं फॉर योर एग्जाम। हाँ तो जब तक मैं आऊँगा, अब सेप्टेम्बर या अक्टूबर में जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे होंगे, फिर हम राइड करना स्टार्ट करेंगे। या पार्टनर्स न मिलने पहुँचाने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक पार्टनर गया होता है शिप पे, एक पार्टनर आपका आया होता है। जैसे देखो मैं इसके साथ राइड करता रहता हूँ, आज चलाई जाएगी भूसा, बट मेरी नहीं अश्विनी की भूसा में लगा। एक्चुअली TVR का एग्जॉस्ट जो सबसे लाउड है, उसके एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ पहले तो। बाइक की लुक देखो अलग ही लग रही है, ये भी चला रहे हैं वो देख ले। ओए 1000 cc वो भी है। अनस मैं यहाँ पे करोलबाग आया हूं, इसको काम कराना था अपनी बाइक का। मुझे भूसा के लिए एक तो SP कनेक्ट चाहिए, मतलब फ़ोन को होल्ड करने के लिए ना। भूसा में यहाँ पे होल है, मतलब यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, तो आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, स्क्रू में प्रॉपर वो होल्ड करता है, तो उसके लिए एक स्पेशल कनेक्टर आता है। तो वही अब हम यहाँ से पूछ रहे हैं, आई थिंक अनस देख के एक बार पता करके बताएगा कि उसको मिल जाएगा। तो मेरे को सैडल बैग लेना है, ये दिल्ली का गुड बाइक सैडल बैग ले। कौन सी? ट्रायम्फ है मॉन्यूल। ओह 1250 cc है। चलो 1250 ना, हमारे तो 1340 है, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है।
एक तो यहाँ पे हम शोरूम आए थे, इस भाई साहब ने अपना फोन ही तोड़ दिया। देखो क्या आ रहा, तो अब तो डिस्प्ले चेंज होगी इसकी पूरी। वन प्लस बदनाम नहीं है, तुम जैसे लोग बदनाम कर रहे हो किसी को। तिवारी, अरे अजब, ये दे दिया भाई 12 मिनट। अब इसको ऐसा बैग दिखाना भैया कि ये लद्दाख जाए वापस। चीजें वैसे जो अटैचमेंट्स होती है ना हेलमेट के ऊपर, ये बेकार है। वाइजर के अलावा कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। देख अदर देन गोप्रो, देख 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 देख। ये LS2 का हेलमेट क्यों नहीं लिया तूने? LS2 ले सकता था। तो पैसे दे देता, मैं ले लेता। हाँ। मैं खरीद देता। वो बाकी वो क्यों दे रहा तू पैसे? गिफ्ट कर दिया। आएगा तो लेकर आइयो यूएस से। तेरे लिए यूएस से मैं एक ही चीज लेके आऊंगा, वो तुझे पता है क्या? मेरा आईफोन नया वाला। हाँ, 16 प्रो का लॉन्च चुका हुआ है। सितंबर में लॉन्च होएगा, तब लेके आएगा भाई। एक्साइटेड हो गया, लॉन्च हो गया। ये भैया ये वो लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ बस यही पूछते हैं, भाई जहाज पे चढ़ जा। जैसे अगले दिन घर आओगे ना, कहेगा जहाज पे चढ़ जा, हमारे लिए यूएस से कुछ ले जाइए। देना भैया इसको, इसके मम्मी पापा परेशान हो चुके हैं, इसको लद्दाख भेज रहे हैं, उसके बाद कभी बुलाने नहीं चाहते इसको। बैग क्या, बैग इसको अपने बैग में दे दी। हाथी रख के जाना है, ऐसा बैग है आपके पास जिसमें हाथी नहीं जा सकते? लद्दाख तक ले जाना है इसको। भैया कह रहे हैं भाई ये 65 लीटर का है, कह रहा नहीं भैया इससे बड़ा। भैया कह रहे देख रहा हूँ मैंने ये राइडिंग बेंट लेने का सोचा है। ये राइडिंग बेंट है, इसमें प्रोटेक्शन भी लगी हुई है और डेली राइड करने के लिए सही है। हाँ मैंने तो पेंट ले ली, इसका काम हुआ नहीं। सो ये चीजें ले लेते ना गिफ्ट में, ये बात गलत है। मैंने करा है, झूठला मत सच्चाई। तेरा जो चेहरा है ना वो हंसी बता रहा है। भाई की गिफ्ट करी हुई चीजों को कम से कम हाँ तो बोल दिया। हाँ, इसने मेरे को ये पैंट गिफ्ट किया भाई, राइडिंग पैंट। आई थिंक जो इसका बैग है वो आ जाएगा, और भी 2-3 चीजें हैं वो लेनी थी। अब देखो आप करोल बाग आते हो ना तो आपको 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। ऑलरेडी 7:30 हो चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। मर्चेंट मिला ना, गप्पे लड़ा रहा था ये वहाँ पे बैठ के। अब देखो यार मर्चेंट नेवी के जब दो बंदे मिलते हैं ना, मैंने आपको बताया गप्पे लड़ा रहा था और कुछ नहीं है। दिस शिप और दैट शिप, ये हर बार ही होता है। मतलब आप किसी भी मर्चेंट नेवी वाले से मिलोगे, वो अपने शिप की बात बताएगा, आप अपने शिप की बात बताओगे, आप अपने एग्जाम का बताओगे, वो अपने एग्जाम का बताएगा। तो यही चीजें चल रही होती है शिप वालों के साथ, वही मेरे साथ हो रही थी। गप्पे लड़ा रहे थे, गप्पे राइडिंग। वो बता रहा था कि मैं अपनी भूसा कहाँ चलाता हूँ, मैं बता रहा था मैं अपनी भूसा कहाँ चलाता हूँ। दोनों सड़कों पे ही चलाते हो, कहीं ऑफ रोड नहीं जा सकते तुम लोग। ये बस ऑफ रोड वाले ना ये इसी बात का घमंड रखते हैं कि हम ऑफ रोड नहीं कर सकते। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग है यहाँ पे डे, इसको दूध पिलाते पिलाते। तो फिर मेरी शिप की डिटेल्स आ गई है, मतलब ज्वाइनिंग की जो मेरी टिकट्स थी वो मेरी आ चुकी है। अब मुझे करना है स्टार्ट बैक पैक करना, जो कि सबसे बोरिंग काम होता है। तो पहले तो मेरे पास एक पैड था जिसमें मैंने सब कुछ लिख के रखा था। अब एग्जाम्स के बीच में वो पैड कहाँ से लगा मुझे पता नहीं, तो मेरे को फिर से लिस्ट बनानी है, फिर से देखना स्टार्ट करूँगा। पर मेरे को देखना पड़ेगा ऐसे कोई पतला पैड था जिसमें मैंने लगाया हुआ था। आप खूब सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल ले जाने होते हैं, तो वो रखने हैं अपने बैग में, प्लस अपने क्लोथ्स वगैरह, क्योंकि 4 महीने के लिए जा रहे हो तो कुछ रहना नहीं चाहिए बीच में, क्योंकि वहाँ पर ठंड है। जहाँ पर जा रहा हूँ मैं फिर से US जा रहा हूँ, तो US और शायद टर्की हमारे शिप 2 महीने रहेगा, मतलब ड्राई डॉक है। ऐसा बोला जा रहा है कि ड्राई डॉक होगा शायद हमारे शिप का, तो मतलब जहाँ पर शिप रिपेयर होता है तो वहाँ पर जाना होगा। तो 2 महीने वहाँ पर लगा लो, और वहाँ पर गर्मी होगी। जब तक मैं फिर से दिल्ली आऊँगा तब ठंड हो जाएगी दिल्ली में। तो अभी मैं सारा बैक पैक करूँगा, पहले सामान लेने जाऊँगा ड्यूटी के साथ। आज 2 दिन बचे हैं बेबी के साथ, तो सारा टाइम मैं बेबी के साथ हूँ, क्योंकि बहुत पहली बार ऐसी फीलिंग है। लाना चाहिए शिप पे, नहीं तो आपके बालों की आप तकलीफ क्या होगी शिप से, अगर आपने तेल नहीं लगाया शिप पे। ये पक्की बात है, सॉल्ट का पानी होता है ऐसा कि आपके बालों को रूट्स को डैमेज कर देता है। इतनी अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ से निकल रहा था, मेरी स्कूल की मैम मिल गई, तो मैं उनसे अपनी बात, मतलब वो मैम मुझे 9th क्लास में पढ़ाती थी, तो अब वो पूछ रही थी कि अब मैं क्या करता हूँ। तो अब हमको यही बताता था कि मैं मोशन नहीं मिलता हूँ। तो आप इतने टाइम बाद जब स्कूल की टीचर से मिलते हो तो एक अलग ही फीलिंग आ रही होती है। और अभी कोई पूछ के मुझे यही पूछ रही थी कि आप अभी मोशन नेवी में हो तो कैसे गए, कहाँ पे था? मैं 9th और 10th क्लास में उनसे पढ़ा था, और उसके बाद 11th 12th में चेंज हो गई थी, क्योंकि तब आपकी साइंस अलग होती है और तब 11th 12th की साइंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब वो जूनियर क्लासेस की थी मैम मेरी, तो अभी वो बस वही पूछ रहे थे। तो आपको पता नहीं होता आपकी लाइफ कितनी जल्दी चेंज होती है, आप कितनी जल्दी बड़े हो जाते हो,
आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैम कहती इतना बड़ा हो गया तब कुछ छोटा होता था, मैम बिल्कुल मेरे घर के पास रहती थी, तो अलग सी फीलिंग आ रही थी आज की। इतने सालों बाद आप टीचर से मिलो ना तो अच्छा लगता है उनसे पूछ के कि आप कहाँ पे, मैम कहाँ पे रह रही हो, या आप कैसे भी स्कूल में जाके मिल रहे हो। जैसे मेरी वीडियो से नहीं देखी होगी तो मैंने स्कूल गया था, विजिट किया था मैंने वहाँ पर, बहुत बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। सो खिला रहा हूँ बीट रूट का जूस, भाई सब नंदा हाल करते हो, मैं बोबो की सोच का आऊंगा आ जाऊंगा। मिस करूंगा मैं भी इसको और ये मुझे।